प्रमोट करने के लिए यहाँ पहुंचे, लेकिन उनको दो रास्ते से निकाल दिया गया। अगर बराला में इतना दम है तो पहले दिन अनाउंस करके कि कल मैं गौशाला में आ रहा हूँ, फिर आके दिखाए, फिर हम देखेंगे कि बराला कैसे प्रोम करता है, करके जल्दी जल्दी भाग जाना, ये टायरों की निशानी है। अगर इतने दलेर है तो डट के प्रोम करें। ये जो आप विरोध देख रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं, ये वही किसान हैं जो लगातार 5 महीने से दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए बैठे हैं। और हरियाणा व पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया हुआ है। और आज टोहाना के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी सरकार में रहे सुभाष बराला जी कृष्णा गौशाला में कमरों की नींव रखने के लिए आए थे। जब किसानों को उनके पहुंचने का पता चला तो किसान एकदम इकट्ठा होकर उनका विरोध करने के लिए गौशाला में पहुंच गए और उन्होंने सुभाष बराला का डटकर विरोध किया। उनका आरोप है कि जब किसान पहुंचे तो सुभाष बराला पिछली गली से निकल गए। उन्होंने कहा है कि आगे से कृष्णा गौशाला को कोई भी दान चंदा चढ़ावा नहीं देगा, न ही गौओं के लिए यहाँ पर तूड़ी डाली जाएगी। गौशाला की चेयरमैन कमेटी के प्रधान जो वहाँ पर किसानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आए, उन्होंने किसानों के पाँव को हाथ भी लगाया और कहते हुए नज़र आए कि किसी ने भी किसी को इनविटेशन देकर नहीं बुलाया, किसी को कार्ड देकर नहीं बुलाया। तो आइए किसानों से सुनते हैं किस प्रकार की उन्होंने चेतावनी दी है। सूचना मिली थी कि यहाँ गौशाला में सुभाष बराला जो है वो किन्हीं कमरों का जो है शिलान्यास रखने के लिए आ रहा है, मंदिर रखने के लिए आ रहा है। जस्ट अभी सूचना मिली। पहली बात तो हम ये गौशाला वालों की हम निंदा करते हैं कि गौशाला को तूड़ी किसान देता है, जब पता है इनको, सभी समाज को पता है कि सुभाष बराला का विरोध कर रहे हैं किसान, तो उनको बुलाना इनकी गलती है, क्योंकि गोली तो किसानों से आती है, जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं सब किसानों के हैं। जब हमें पता लगा तो बराला का विरोध करने के लिए यहाँ पहुंचे, लेकिन उनको चोर रास्ते से निकाल दिया गया। अगर बराला में इतना दम है तो पहले दिन अनाउंस करके कि कल मैं गौशाला में आ रहा हूँ, फिर आगे दिखाए, फिर हम देखेंगे कि बराला कैसे विरोध करता है, लेकिन चोरों की तरह आना, बिना कोई इन्विटेशन छुपाए आना, आकर के जल्दी जल्दी भाग जाना, ये कायरों की निशानी है, बुद्धलों की निशानी है। किसान कायर नहीं है, किसान लड़ना जानता है और मरना जानता है। हम चैलेंज करना चाहते हैं बराला को और बराले के दूसरों को कि जब भी प्रोम करना हो 2 घंटे की मोहलत दे दियो कि 2 घंटे बाद हम प्रोम कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कैसे बराला प्रोम कर लेगा। लेकिन अभी लाला किसान ये 15 मिनट के नोट्स के ऊपर इकट्ठे हुए, बाकी अभी आ रहे हैं लोग और पहुंच जाएंगे वो, लेकिन ये भागने लगे अभी, मिनट लगाते हैं बड़े छेर। अगर इतने दलेर है तो डट के प्रोम करें, बैठे यहाँ हमारा सामना करें, सामना करने की हिम्मत नहीं है। प्रशासन के बूते पर कोशिश करते हैं, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, और इनको चैलेंज है किसान मोर्चे की तरफ से कि हम इनका कोई प्रोम नहीं होने देंगे, ये जानबूझ के लोगों के बीच में जो है दरार पैदा ना करें, और करना है तो फिर मजे से करें, पहले टाइम दे करके कि इस टाइम बराला फलानी जगह मैं आ रहा हूँ, फिर देखेंगे हमें भी किसानों में दाम है कि बराला में दाम है। चोरी आ जाना, चोरी भाग जाना, ये कहा कि बहादुरी इनके लिए।